हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। अभी थोड़ा मैं पूजा करने के लिए बैठी है। मेरे पास मेरे बेटी ने बैठा है। मेरे बेटी ने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अभी मैं प्रसाद चढ़ा था, अभी मैं किचन में आ गया। थोड़ा प्रसाद में सूजी काकरा बनाऊंगी। अभी पानी दे दिया, उसमें तेज पत्ता, सॉल्ट और जागरी ऐड कर दिया। उसमें थोड़ा घी या ऑयल आप डाल सकते हैं। अभी उसमें मैं सूजी को ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिला मिला के मैं ऊपर से सूजी को डाल रही हूँ। अभी ये मेरा हो गया, उसको मैं अभी एक प्लेट में निकालती हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से मैं फेस लेती हूँ। अभी मैं इसको बना के उसके अंदर कोकोनट जागरी दे के फ्राई किया था, उसके अंदर दे के ऐसे में रोल घुमा घुमा के करके उसको मैं ऐसे प्रेस करके काकरा बना दिया। ऐसे ही पूरा मेरा बन गया। अभी मैं कढ़ाई में उसको फ्राई करती हूँ। अभी ये हो गया मेरा। अभी उसको मैं निकाल देती हूँ। ये मेरा सूजी काकरा अभी रेडी हो गया। और मैं इधर कढ़ाई में थोड़ा खीरी में डालने के लिए काजू किशमिश को फ्राई कर दिया। अभी प्रेशर में घी को डाल दिया। उसमें थोड़ा कलर आने के लिए शुगर को डाल दिया, वो भी थोड़ा लौंग, काली मिर्च, इलायची डाल दिया। अभी थोड़ा पानी डाल दिया और उसमें मैं धो के रखा था राइस को डाल देती हूँ। उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया। अभी कवर डाल देती हूँ। 3-4 सीटी आ गया। वो ऐसे थोड़ा मैं उसको पेस्ट देती हूँ। अभी उसमें मैं बॉयल किया हुआ मिल्क को ऐड करती हूँ। अच्छी तरह से मैं मिला देती हूँ। मैं ऐसे ही खीरी पकाती हूँ, राइस खीरी। उसमें थोड़ा शुगर ऐड कर लेती हूँ। उसको अच्छी तरह से मिला देती हूँ। वो फ्राई को है काजू किशमिश, उसमें डाल देती हूँ। और लास्ट में एक स्पून घी मैं डाल देती हूँ उसके अच्छा फ्लेवर के लिए। और उसको अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ये भी मेरा खीरी हो गया। अभी मैं ये परवल को इसी तरह ऊपर से छिलका निकल के कट कर दिया। अभी कढ़ाई में उसको फ्राई करती हूँ। थोड़ा सॉल्ट, अभी इसमें कढ़ाई में जीरा डाल के मैं कटा हुआ टमाटर को डाल लेती हूँ। उसको अच्छी तरह से चला लेती हूँ। उसमें थोड़ा चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर डाल के उसको चला लेती हूँ।
उसमें थोड़ा पानी दे देती हूँ। पानी देके अच्छी तरह से चला लेती हूँ। उसमें कर्ड को मैं 3 चम्मच कर्ड ऐड करती हूँ, वो अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। उसमें मैं परवल को ऐड कर दिया, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के अच्छी तरह से उसको चला लेती हूँ। और लास्ट में मैं गरम मसाला थोड़ा डाल लेती हूँ। उसका ढक्कन में डाल देती हूँ। अब ये हो गया। अब ये राइस को मैं कर्ड राइस बनाने के लिए राइस को ठंडा करके, बॉयल करके ठंडा करके रखा है। उसमें कर्ड में थोड़ा सॉल्ट डाल के उसको उसको मैं मिला रही हूँ। मैं थोड़ा ऑयल डाल के, मस्टर्ड सीड डाल के, करी पत्ता, 1 ग्रीन चिली डाल के वो फुटन में बना के उसमें डाल दूंगी राइस के ऊपर। यह अभी मेरा कर्ड राइस हो गया। उसके ऊपर थोड़ा अनार मैं डाल देती हूँ। अभी कढ़ाई चढ़ा के मैं उसमें ब्रिंजल को ऐसे कट करके उसमें फ्राई करती हूँ। उसमें थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के मैं उसको चला लेती हूँ। अभी उसको ढक्कन दे देती हूँ। अभी ये हो गया। उसको निकाल के कर्ड में थोड़ा सॉल्ट डाला था उसमें उसको डाल रही हूँ। अभी थोड़ा फुटन बना के वही ऑयल में मस्टर्ड सीड, करी पत्ता डाल के वही फुटन को मैं इसमें डाल देती हूँ। ये हो गया मेरा। अभी ये रेडी है पूरा खाने के लिए। इधर मेरे बेटी ने बैठ के खाया, प्रसाद को खा रहा है। उसका ये ड्रेस लास्ट ईयर स्कूल में ये राधा गेटअप में ये ड्रेस पहना था, आज उसी दिन ने वो पहन लिया। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।